वेलकम एस यू पी एच टू प्रेजेंटेशन ऑन चैप्टर नंबर सिक्स द ग्रेटेस्ट ट्रेशर एंड दिस इज़ पार्ट वन ऑफ आवर प्रेजेंटेशन सो स्टूडेंट्स दिस स्टोरी द ग्रेटेस्ट ट्रेशर इज़ रिटन बाय अमित गर्ग हु इज एन इंडियन ऑथर ये जो अमित गर्ग है वो कहाँ से हैं इंडिया से हैं और इन्होंने काफ़ी सारी जो है स्टोरीज लिखी हुई हैं फॉर द चिल्ड्रन राइट and this particular story the greatest treasure it's a short story choti si story hai about an adventurous boy kiske bare mein ek adventurous boy ke bare mein you know what is adventurous adventurous ka matlab hota hai sahasi jo matlab adventure वाले या जो साहस या हिम्मत वाले जो काम है ना वो करता हो तो उसे बोलते हैं adventurous, right? सो इट्स अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट अ बॉय हुज नेम इज पीटर ये बॉय का नाम क्या है पीटर है और पीटर कैसा है पीटर इज एन एडवेंचरस बॉय जिसको जो है जो साहस वाले काम है ना वो करने में मजा आता है राइट ना वट एपन्स ही बेसिकली मीट्स मैनी पीपल मैनी एनिमल्स वेन ही सेट्स ऑफ ऑन अ जर्नी ओके okay? तो पीटर क्या है पीटर बहुत सारे एनिमल्स को मिलता है यू नो व्हेन ही सेट्स ऑफ ऑन अ जर्नी जब वो एक जर्नी पे यात्रा पे एक दिन निकलता है सेट ऑफ मतलब निकलना ओके एंड हाउस पीटर ही इज एडवेंचरस बॉय एंड ही इज करेजियस एंड एक्साइटेड लैंड ओके वो कैसा है पीटर एक करेजियस और एक्साइटेड आदमी मतलब फुल ऑफ एक्साइटमेंट राइट सो दिस स्टोरी बेसिकली हिज जर्नी वो जर्नी जो है कैसी रहती है उसकी उन अलग अलग एनिमल्स के साथ में एंड वेदर फाइनली दिस बॉय पीटर इज एबल टू फाइंड दैट ट्रेजर क्योंकि अल्टीमेटली वो किस चीज़ के लिए निकला था ट्रेजर हंट के लिए ओके नाउ ड्यू नो वॉट इज़ अ ट्रेजर ओके चैप्टर का जो टाइटल वो क्या है द ग्रेटेस्ट ट्रेजर सो ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा सबसे महान ओके जी आर ई ए टी ई एस टी ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा या सबसे महान ओके टी आर ई एस यू आर ई ट्रेजर ट्रेजर का मतलब होता है खजाना ओके सो ट्रेजर अलग अलग तरीके का हो सकता है बच्चों इट डिपेंड्स की वट वॉट यू आर लुकिंग फॉर बट ये जो पुराने जमाने में अगर आपने देखा हो सीरियल्स वगैरह में दिखाते हैं ऐसे जो है खजाना भरा रहता था, था बॉक्सेस के अंदर राइट एंड दिस इज कॉल्ड ट्रेशर टी आर ई एस यू आर ई ट्रेशर और पीटर भी ऐसा ही कोई ट्रेशर फाइंड आउट करने के लिए इस जर्नी पे निकला ओके सो द स्टोरी गोज लाइक दिस ये जो बच्चा है पीटर वन डे ही सेट्स ऑफ ऑन अ जर्नी टू फाइंड द ट्रेजर विद अ ट्रेजर मैप उसके पास क्या होता है एक ट्रेजर मैप होता है एक नक्शा होता है जिसके बेसिस पे ही सेट्स ऑफ ऑनर जर्नी टू फाइंड ट्रेजर खजाना ढूंढ ले वो निकल जाता है एंड ऑन द वे पीटर मीट्स अ लायन लायन कौन होता है बच्चों ही इज द किंग ऑफ द जंगल राइट जंगल का राजा होता है ना लायन सो पीटर मीट्स लायन

फॉरेस्ट आपको पता ही है तो एक डेंस फॉरेस्ट से जो है पीटर और लायन दोनों पास करते हैं नाउ डू यू थिंक पीटर इज स्केर्ड और नॉट स्केर्ड पीटर को अब डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है वो जो डेंस फॉरेस्ट से जा रहा है पीटर इज नॉट स्केर्ड वाई बिकॉज लायन इज अकाउनिंग हिम लायन जो है वो उसके साथ जा रहा है और लायन कौन होता है किंग ऑफ द जंगल तो जब लायन पीटर के साथ है तो पीटर को डर नहीं लगेगा डेंस फॉरेस्ट से गुजरते हुए राइट सो so, पीटर इज नॉट स्केट एंड दे पास थ्रू द जंगल डेंस फॉरेस्ट एंड यू लुक हेयर ये जो जंगल है वॉट डू यू फील कैसा जंगल है कैसा फॉरेस्ट है ये बहुत डेंस फॉरेस्ट है बहुत घना जंगल है तो पीटर कुछ ऐसे ही डेंस फॉरेस्ट से लायन के साथ में गुजरा राइट क्रॉस्ड दिस डेंस फॉरेस्ट क्लियर अब डेंस फॉरेस्ट पास करने के बाद में देन पीटर एंड लायन मीट ईगल ओके यू नो वट इज ईगल दिस बर्ड इज कॉल्ड ईगल ओके ई ए जी एल ई तो अब लायन और पीटर दे मीट दिस बर्ड ईगल और ईगल की क्या स्पेशलिटी होती है क्या खास बात होती है दैट ही कैन सी फारवे बहुत दूर तक वो देख सकता है उसका विजन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है एंड उसकी जो फ्लाइंग स्पीड होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है राइट right? तो अब पीटर बोलता है ईगल को दैट ईगल वाई डोंट यू join एस आप हमें ज्वाइन क्यों नहीं करते हो ईगल join यू तो अब क्या होता है पीटर lion एंड ईगल वो अब आगे की जर्नी पे एक साथ निकल पड़ते हैं एंड देन दे क्रॉस द माउंटेन्स जो पहाड़ होते हैं ना उनको क्रॉस करते हैं और माउंटेन्स कैसे होते हैं क्रैगी सी आर ए डबल जी वाई क्रैगी यू नो व्हाट इज क्रैगी यू लुक हेयर दीज आर द माउंटेन्स ये क्या है माउंटेन्स है और इसकी जो रॉक्स है वो कैसी है ये जो माउंटेन है वो कैसे हैं वेरी हाई एंड रॉकी ओके ये जो माउंटेन है कैसे हैं बहुत ऊंचे हैं वेरी हाई एंड रॉकी तो ऐसे माउंटेन्स को हम क्या बोलते हैं सी आर ए डबल जी वाई क्रैगी ओके सो वॉट हैपन्स वाईल पासिंग थ्रू दीज माउंटेंस ये जो लाइन है वो बार बार स्लिप कर जाता है एंड पीटर होल्ड सिम पीटर जो है उसको होल्ड करके और किसी तरीके से वो लोग माउंटेन क्रॉस करते हैं एंड वॉट ईगल इज डूइंग ईगल इज लुकिंग अराउंड एवरीवेयर ही इज फ्लाइंग नो ईगल इज फ्लाइंग और ही इज लुकिंग अराउंड और जो भी डेंजर हो सकता है उसके बारे में पीटर को ईगल जो है पहले ही वॉन कर देता है सो दैट इज हाउ ईगल इज वेरी यूजफुल टू पीटर ऑन दिस जर्नी राइट नाउ ऑन देयर वे नाउ दे मीट शीप एस एच डबल ई पी शीप यू नो वट इज अ शीप भेड़ सो नाउ पीटर टेल्स द शीप हे शीप वी आर ऑन आर वे टू फाइंड द ट्रेजर हम जो हैं ट्रेजर फाइंड करने के लिए हम लोग जा रहे हैं वाई डोंट यू जॉइन अस इफ यू आर देयर विद एस यू कैन कीप व एंड कोजी इन दिनटर ऑल्सो दैट मीन्स अगर आप हमारे साथ चलती हो तो आपके जो वूल है ना शीप के ऊपर कितनी सारी वूल होती है राइट right? आपके जो स्वेटर्स वगैरह बनते हैं वो आपको बताएं शीप की जो जो वूल होती है उससे बनती है राइट right? तो पीटर क्या बोलता है इफ़ यू आर देयर विद अस अगर आप हमारे साथ हो तो जो विंटर्स है विंटर्स में आप हमें वॉम और कोजी रख सकते हो कोजी मतलब कंफर्टेबल आरामदायक तो शिप बोलती है ओके लेट्स गो आई विल जॉइन यू तो अब ये जो है माउंट्स के बाद में जो वैलीज हैं ओके okay, वहाँ से सब लोग पास करते हैं पीटर देन लायन ईगल एंड नाउ

पैच ऑफ सॉफ्ट ग्रास इज कॉल्ड मीडो एम ई ए डी ओ डब्ल्यू सो ऐसा अगर सॉफ्ट ग्रास का जो पैच होता है ना मतलब ग्राउंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं एम ई ए डी ओ डब्ल्यू मीडो सो नाउ ऑल ऑफ देम आर पासिंग थ्रू द एंडलेस मीडो मतलब जिसका कोई अंति नहीं दिखता एंड द कोल्ड विंड इज स्वीपिंग द एंडलेस मीडो जो कोल्ड विंड है ना वो चल रही है तो अब सबको क्या लगेगी सर्दी लगेगी बट दे डोंट नीड टू वरी उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि उनके साथ में शीप है तो सब जो है शीप के पास आके इकट्ठा हो जाते थे और शीप से उन्हें क्या मिलती थी वॉर्म एंड कोजीनेस राइट सो फाइनली दीज फोर कौन कौन से चार लोग थे पीटर लायन देन ईगल एंड शीप दे रीच द डेजर्ट वो डेजर्ट के पास पहुँच गए डी ई -E एस ई -E आर टी डेजर्ट मतलब रेगिस्तान अब रेगिस्तान के पास पहुँच गए डेजर्ट के पास पहुँच गए एंड देन देस सॉ अमल उन्होंने एक कैमल देखा ऊंट देखा सो देन पीटर टेल्स द कैमल हे कैमल वाई डोंट यू जॉइन एस वी आर ऑन आर वे टू फाइंड द ट्रेजर कैमल बोलता है ठीक है आई विल जॉइन यू देन नाउ ऑल फाइव दे सेट ऑफ ऑन दिस जर्नी अब डेजर्ट से पास करने के लिए डेजर्ट से गुजरने के लिए बच्चों ना तो लायन कैपेबल है लायन की जो है वो भी इक्विप नहीं है डेजर्ट से पास करने के लिए ना शीप जो है वो एक्सपर्ट है रेगिस्तान में गुजरने के लिए ओके सो वॉट दे डू ये सब जो है कैमल की पीठ पे आगे बैठ जाते हैं पीटर लायन शीप और कैमल जो है ही इज गैलोपिंग ओके लाइक एन हॉर्स लाइक अ हॉर्स ओके हॉर्स के जैसा वो आराम से कंफर्टेबली डेजर्ट में वॉक कर रहा है आपको पता है डेजर्ट का जो शिप शी, है वो किसे बोलते हैं शिप ऑफ डेजर्ट कैमल को बोलते हैं राइट वाई क्योंकि वो डेजर्ट के अंदर आराम से कंफर्टेबली ही कैन वॉक ही कैन रन दिस कैमल राइट सो so, ये जो सारे जो लोग हैं पीटर देन लायन एंड शीप कैमल की पीठ पे बढ़ जाते हैं और ईगल इज फ्लाइंग इन द स्काई एंड एंजॉइंग द स्पेक्टिकुलर व्यू ओके एंड देन फाइनली दे रीच द ओशन कहाँ पहुँचते हैं वो ओशन के पास पहुँचते हैं समुंदर के पास पहुँचते हैं एंड देयर दे मीट अ टर्टल टर्टल कौन होता है कछुआ ओके, सो टर्टल को फिर बोलता है पीटर हे टर्टल वी आर ऑन आर वे टू फाइंड द ट्रेजर वाई डोंट यू ज्वाइन एस टर्टल बोलता है ठीक है नो प्रॉब्लम आई विल ज्वाइन यू तो अब ओशन में जो है स्विम करके इनमें से कोई भी नहीं जा सकता ना तो लाइन को स्विमिंग आती है इतनी राइट right? कि ओशन क्रॉस कर जाए ना कैमल को आती है और ना ही जो है शीप को आती है ना ही ईगल को आती है राइट right? सो so, ये सब लोग जो हैं वो टर्टल की पीठ पे बैठ जाते हैं एंड टर्टल हेल्प्स देम टू क्रॉस द ओशन बीच बीच में जो है बिकॉज ऑफ द वेव इनमें से काफ़ी जो है एनिमल्स को गिर जाता है टर्टल की पीठ पे से बट टर्टल उनको वापस अपनी पीठ पे बिठा के फाइनली ओशन क्रॉस करा देता है एंड आफ्टर दे करॉस द ओशन दे रीच ऑन द अदर साइड और वहाँ पर उन्हें जो है एक आउल मिलता है ओ डब्ल्यू एल आउल आउल कौन होता है उल्लू बट ये उल्लू कैसा था बड़ा वाइज आउल था ओके okay? तो वहां पहुंच के फिर पीटर इसको पूछता है हे आउल आई एम लुकिंग फॉर अ ट्रेजर तो आउल बोलता है अरे भैया यू ऑलरेडी फाउंड द ट्रेजर तो आपने तो ऑलरेडी तो खजाना ढूंढ लिया तो पीटर बोलता है बट आई डोंट नो कि मैंने कौन सा ट्रेजर फाइंड आउट किया देन आउल सेज़

लाइन के आप डेंस फॉरेस्ट पार नहीं कर सकते थे राइट right? बिना ईगल के आप जो माउंटेंस की जो जो क्रैगी माउंटेंस थे वो क्रॉस नहीं कर सकते थे बिना शीप के जो आप जो है मीडोज जो थी ना जहाँ पे बहुत कोल्ड विंड चल रही थी वो क्रॉस नहीं कर सकते थे बिना कैमल के यू कुड नॉट कुंट हैव क्रॉस्ड द डेजर्ट राइट देन बिना टर्टल के आप जो है ओशन क्रॉस नहीं कर सकते थे तो जो आपका ग्रेटेस्ट ट्रेजर है वो तो आपकी ये फ्रेंडशिप है जिसके कारण आप आज यहाँ पे आप पाए हो राइट right? तो पीटर इस बात को समझ गया दैट यस व्हाट यू सेड इज करेक्ट द ग्रेटेस्ट ट्रेजर इज फ्रेंडशिप अबाउट हैविंग गुड फ्रेंड्स तो अब बच्चों इस पूरी स्टोरी से आपको क्या पता चला कैन यू टेल मी सो बेसिकली वी शुड ऑलवेज लुक फॉर द ग्रेटेस्ट ट्रेजर एंड दैट इज ट्रू

डब्ल्यू एच ई आर ई वेयर मतलब जहाँ पे अ बॉय लर्न ए बॉय जो है वो लर्न करता है सीखता है क्या सीखता है हाउ इम्पोर्टेंट हाउ का मतलब कितनी ओके इम्पॉर्टेंट आई एम पी ओ आर टी ए एन टी इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण टीम वर्क इज जो एक साथ लोग काम करते हैं ना बहुत सारे लोग मिलके उसको बोलते हैं टीम वर्क फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट मैच अगर आप देखते हो तो क्रिकेट मैच में भी क्या है टीम वर्क होता है एलेवन प्लेयर्स एक साथ खेलते हैं राइट right? स्कूल में भी जब आप खेलते हो फुटबॉल या क्रिकेट तो आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ मिलकर आप खेलते हो सो दैट इज़ टीम वर्क ओके सो द चैप्टर नेम इज़ द ग्रेटेस्ट ट्रेशर वेयर अ बॉय लर्न हाउ इंपॉर्टेंट टीम वर्क इज जहाँ पे एक बॉय जो है लर्न करता है एल ई ए आर एन लर्न मतलब सीखना ओके एल ई ए आर एन लर्न मतलब सीखना अ बॉय जो है वो सीखता है हाउ इंपॉर्टेंट टीम वर्क इज बॉय सीखता है कि टीम वर्क कितना इंपॉर्टेंट है राइट नाउ वी ऑलरेडी नो हु इज द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी अमित गर्ग ओके राइट नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर वन डे पीटर पी ई टी ई आर पीटर कौन है ये जो बॉय है ना इसका नाम क्या है पीटर पी ई टी ई आर पीटर ओके सो वन डे पीटर फाउंड अ ट्रेशर मैप पीटर के हाथ में कुछ देख रहे हो आप ये जो पेपर है वो क्या है ट्रेजर मैप है ओके टी आर ई एस यू आर ई एम ए पी ट्रेशर मैप राइट सो वन डे पीटर फाउंड एफ ओ यू एन डी फाउंड यू नो द मीनिंग ऑफ फाइंड एफ आई एन डी फाइंड मतलब ढूंढना या मिलना और फाउंड मतलब ढूंढा सेकेंड फॉर्म राइट सो वन डे पीटर फाउंड पीटर ने जो है फाउंड किया पीटर को मिला और ट्रेजर मैप एक ट्रेजर मैप हुई एम गोइंग टू फाइंड दिस ट्रेजर एंड हैव समर तो स्टार्टिंग में जब है इस प्रजेंटेशन में हमने आपको बताया था कि जो पीटर है उसकी नेचर कैसी है पीटर इज वेरी एडवेंचरस बॉय जिसको साहसी काम हिम्मत वाले काम करने में मजा आता है तो जैसे उसको ट्रेजर मैप मिला पीटर क्या होगा एक्साइटेड हो गया वो एंड वॉट ई सेज हुर्रे हु मतलब वाओ टाइप्स ओके सो हुर्रे आई एम गोइंग टू फाइंड दिस ट्रेजर आई मतलब मैं गोइंग टू फाइंड मतलब मैं जो है ये ट्रेजर फाइंड करने जा रहा हूँ आई एम गोइंग टू फाइंड द ट्रेजर फाइंड करना मतलब ढूंढने ओके एफ आई एन डी फाइन फाइन मतलब ढूंढना सो so, मैं जो है ये ट्रेजर फाइंड करने जा रहा हूँ एंड हैव सम एडवेंचर और ट्रेजर फाइंड करने से मुझे क्या मिलेगा एडवेंचर मिलेगा ए डी वी ई एन टी यू आर ई वॉट इज द स्पेलिंग ऑफ एडवेंचर ए डी वी ई एन टी यू आर ई एडवेंचर एडवेंचर मतलब साहस ओके okay? सो so, मैं क्या है आई एम गोइंग टू फाइंड द ट्रेजर एंड हैव सम एडवेंचर और कुछ जो है एडवेंचर करूँगा ही एक्सक्लेम्ड एक्सक्लेम्ड मतलब जब एक्साइटमेंट में आप बोलते हो ना तो उस वक्त क्या आपकी टोन बदल जाती है सो so, ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं एक्सक्लेम्ड तो वो जो है एक्साइटमेंट में बोला पीटर सेट ऑफ ओके अब पीटर जो है वो चल दिया सेट ऑफ मतलब चल दिया निकल गया किसके लिए टू फाइंड द ट्रेजर एस ई टी ओ डबल एफ सेट ऑफ सेट ऑफ मतलब चल देना निकल पड़ना ओके okay? देन वॉट एपन्स ही वॉकड अ लॉन्ग वे पीटर जो है ही वॉकड यहाँ पे ही किसके लिए आया है पीटर के लिए पीटर इज अ बॉय तो पीटर के लिए हमने क्या यूज किया एच ई ही वॉकड डब्ल्यू ए एल के वॉक आपको पता है चलना एंड वॉक मतलब चला अ लॉन्ग वे बहुत दूर तक लॉन्ग वे मतलब बहुत दूर तक एंड फाइनली एफ आई एन ए डबल एल वाई फाइनली मतलब आखिरकार फाइनली रीस्ट आर ई एस सी एच ई डी रीस्ट मतलब पहुंचना तो फाइनली वो पहुंच गया अ फॉरेस्ट एक फॉरेस्ट के पास पहुंच गया ओके नाउ व्हाट एपन्स देयर ही मेट लायन टी एच ई आर ई देयर मतलब वहां पे ही मेट एम ई टी मेट एम डबल ई टी मीट मीट मतलब मिलना एंड एम टी मेट मेट मतलब मिला तो देर ही मेट लायन तो वहां पे जो है वो पीटर जो है किससे मिला लायन से मिला और पीटर क्या बोलता है यू आर स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस पीटर बोलता है यू आर स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस सो बच्चों लायन कैसा होता है स्ट्रॉन्ग होता है एक तो एंड करेजियस लायन में बहुत ज्यादा हिम्मत होती है बहुत ज्यादा साहसी होता है राइट right? सो so, पीटर क्या बोलता है ंग एंड करेजियस सी ओ यू आर ए जी ई ओ यूएस ओके तो सी ओ यू आर ए जी होता है करेज और करेज के आगे हमने क्या लगाया ओ यूएस करेजियस करेजियस मतलब साहसी ओके सेट पीटर टू लायन पीटर ने कहा किससे टू लायन मतलब लायन से कहा ओके विल यू कम विद मी ऑन अ ट्रेशर हंट अब पीटर क्या बोलता है Will you come with me? क्या आप मेरे साथ आओगे मानना या सहमत होना उसको बोलते हैं जी आर डबल ए जी आर डबल ई डी एग्रीड मतलब मान गया ओके okay? तो लाइन जो है वो मान गया सहमत हो गया लाइन एग्रीड एंड ज्वाइन पीटर और उसने जो है पीटर को ज्वाइन किया मतलब वो पीटर के साथ में

पीटर वॉज अफ्रेड पीटर जो वो क्या था ही वॉज अफ्रेड ए एफ आर ए आई डी अफ्रेड मतलब डरा हुआ पीटर डरा हुआ था बट विद लायन बाय हिज साइड लेकिन ब्यूटी बट बट मतलब लेकिन विद लायन बाय हिज साइड लायन जो है उसके साथ था ही मेड इट थ्रू मतलब वो जंगल से गुजर गया इवन दो ही वॉज कैट अफ्रेड बट देन बाय लायन ओके देन विद लायन बाय हिज साइड लाइन उसके साथ होने से क्या हुआ ही मेड इट थ्रू मतलब उसने जंगल क्रॉस कर लिया ओके मेड एम ए डी ई मेड इट थ्रू टी एच आर ओ यू जी एच थ्रू ओके नाउ व्हाट अपंस व्हेन द टू फाइनली रीच द माउंटेन अब ये फॉरेस्ट क्रॉस करके कहा आ गए माउंटेन पे सो डब्ल्यू एच ई वेन वेन मतलब जब द टू यहाँ पे टू किसके लिए आया है पीटर एंड लायन ओके फाइनली रीच द माउंटेन अब ये क्या है फाइनली कहां पहुंच गए रीच मतलब पहुंचना सो so, फाइनली कहां पहुंच गए माउंटेन एम ओ यू एन टी ए आई एन माउंटेन माउंटेन मतलब पहाड़ दे मेट ईगल तो वहां पहुंचने पर मिले है? दोनों ईगल से मिले यू हैव एक्सीलेंट विजन आप यू हैव एक्सीलेंट विजन पीटर क्या बोलता है यू हैव मतलब आपका जो विजन है जो आपकी जो दृष्टि है जो देखने की कैपेसिटी है वो कैसी है एक्सीलेंट है ई एक्स सी ई डबल एल ई एन टी एक्सीलेंट मतलब बहुत अच्छी ओके सो यू हैव एक्सीलेंट विजन एंड कैन अलर्ट अस एंड कैन अलर्ट अस टू डेंजर्स अलर्ट करना मतलब किसी भी चीज के लिए पहले ही आपको चेतावनी दे देना अलर्ट कर देना राइट सो यू अभी क्या बोलता है पीटर ईगल से यू हैव एक्सेलेंट विजन आपका जो विजन है आपकी जो दृष्टि है वो एक्सीलेंट है एंड कैन अलर्ट अस और आप जो है हमको अलर्ट कर सकते हैं टू डेंजर्स डी ए एन जी ई आर एस डेंजर्स मतलब खतरों से खतरों से आप हमें जो है अलर्ट कर सकते हो सेड पीटर टू ईगल पीटर ने ईगल से कहा Okay? then will विल यू कम विद वी आर लुकिंग फॉर अ treasure. अब पीटर क्या बोलता है ईगल से विल यू कम विद क्या आप हमारे साथ आएंगे वी आर लुकिंग फॉर अ ट्रेजर वी डब्ल्यू वी मतलब हम तो यहां पे वी किसके लिए आया है वी आया है पीटर के लिए और लायन के लिए सो वी आर लुकिंग लुक फॉर मतलब देखना किसी चीज को किसी चीज को ढूंढना सो वी आर लुकिंग फॉर अ ट्रेजर हम जो है वो क्या है एक ढूंढ रहे हैं अब eagle जो है वो कर गया ज्वाइन किया and the lion. Peter और लायन को उसने join किया। किसने ईगल ने द माउंटेन वर टॉल अब जो माउंटेन्स थे वो कैसे थे टॉल टी ए डबल एल टॉल मतलब ऊंचे एंड क्रैगी माउंटेन्स कैसे थे टॉल एंड

वो स्विफ्ट इनफ था मतलब वो इतना तेज था टू गिव हिम अ हैंड कितना स्विफ्ट था टू गिव हिम अ हैंड लायन को उसने अपना हाथ पकड़ा दिया एंड पुल हिम अप और लायन को उसने ऊपर खींच लिया कब वेन द लायन स्लिप्ड ऑन द माउंटेन राइट ईगल विद हिज शार्प विजन और ईगल जो है वो उसका विजन कैसा था बहुत शार्प शार्प सो विद इस शार्पार्पन डब्ल्यू ए टी सी एच ईडी स्टेपन विद हिस शार्प विज़न ईगल जो है अपने शार्प विजन से वॉस्ड एवरी स्टेप उसने हर स्टेप को जो है एवरी स्टेप को वॉच किया वॉच किया मतलब देखा डब्ल्यू एच वॉच मतलब देखना एंड वॉस्ट मतलब देखा दे टुक मतलब उन्होंने जो भी स्टेप ले रहे थे ना पीटर एंड लायन उसको उन्होंने जो है उसको जो है ईगल ने अपने शार्प विजन से सेयरफुली वॉच किया राइट विद दिस वी स्टॉप आवर प्रेजेंटेशन हेयर प्लीज गो थ्रू द चैप्टर एंड लर्न ऑल द डिफिकल्ट वर्ड्स थैंक यू